नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के गेम डेवलपमेंट कोर्सवेयर में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल पार्ट टू में हम यूनिटी के इंटरफेस के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो ये है यूनिटी एडिटर और इसमें कई सारे विंडोज है जहाँ से हम काम कर सकते हैं। जैसे ये सीन विंडो है और ये गेम विंडो, यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो है और ये है हायरार्की विंडो, और ये राइट साइड में है इंस्पेक्टर विंडो। ठीक है, सीन व्यू के उपयोग से हम अपने गेम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे सीन में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना, उनकी पोजीशन मॉडिफाई करना वगैरह वगैरह। अब जब भी गेम सिमुलेट होता है या एग्जीक्यूट होता है तब प्लेयर इस गेम व्यू से देख पाता है, और इस हायरार्की विंडो में हम देख सकते हैं कि हमारे गेम में कितने ऑब्जेक्ट्स है और उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है, और प्रोजेक्ट विंडो में हमारे गेम को बनाने के लिए लगने वाले रिसोर्सेस और एसेट्स की आप लिस्ट देख सकते हो, जैसे कि टेक्सचर, ऑडियो फाइल वगैरह वगैरह। इंस्पेक्टर विंडो हमारे एसेट्स की, हायरार्की की और सीन व्यू में या गेम व्यू में जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है उनकी इन्फॉर्मेशन देता है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे कैमरा को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस कैमरा रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप इंस्पेक्टर विंडो में देख सकते हो। इसके अलावा भी विंडोज ड्रॉप डाउन मेनू से आप अधिकतर विंडोज देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एनिमेशन विंडो को ओपन करता हूँ, इसके उपयोग से हमारे गेम में होने वाले एनिमेशन को हम कंट्रोल या एडिट कर सकते हैं। वैसे और एक विंडो है कंसोल विंडो। अपने गेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने बाद अगर उसमें कुछ वार्निंग आती है या कंपाइलिंग एरर्स आते हैं तो इस विंडो के मदद से हम उसे ढूंढ पाते हैं। इसके साथ ही हम इस इंटरफेस को अपने जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं सीन व्यू और गेम व्यू को एक साथ देखना चाहता हूँ तो गेम व्यू को क्लिक एंड ड्रैग कर सीन व्यू के नीचे हम प्लेस कर सकते हैं, और अगर गेम व्यू की विंडो आपको छोटी लग रही है तो हम इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर भी ये गेम विंडो और सीन विंडो छोटी लग रही है, सीन व्यू में हमें काम करना है और गेम व्यू में हमें प्रीव्यू देखना है, इसलिए मैं हायरार्की और प्रोजेक्ट के टैब को ड्रैग कर इनके बगल में इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। इस प्रकार से सीन विंडो और गेम विंडो को यहाँ पे पर्याप्त जगह मिल चुकी है। आप विंडोज में से इस लेआउट को सेव भी कर सकते हो। जैसे मैं इस लेआउट को हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के नाम से सेव कर रहा हूँ। उसके बाद काम करते करते अगर आपका लेआउट बिगड़ भी जाता है, मान लो कि मैंने सेव किया हुआ लेआउट कुछ इस तरीके से चेंज हो गया, तो मैं वापस विंडोज लेआउट में से हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल लेआउट को सिलेक्ट कर सेव किया हुआ लेआउट वापस रिस्टोर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जैसे हमने इस लेआउट को सेव किया था ठीक उसी तरह से ये ओपन हो चुका है। वैसे भी आप यूनिटी में कुछ प्रीसेट लेआउट्स भी पा सकते हो। जैसे आप लेआउट में जाओगे तो 2x3, उसके बाद यहाँ पे और एक लेआउट है 4 स्प्लिट लेआउट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे कई सारे प्रीसेट लेआउट पहले से अवेलेबल है। अगर आपको लेआउट डिलीट करने हैं तो आप विंडोज लेआउट यहाँ पे डिलीट लेआउट पे क्लिक करें, और फिर यहाँ से आपको जिस लेआउट को डिलीट करना है इस पे क्लिक करें। फैक्ट्री सेटिंग ले आने के लिए हमें यहाँ पे विंडोज लेआउट और फिर फैक्ट्री सेटिंग पे क्लिक कर कंटिन्यू करना है। अगर आपको विंडोज ऐड करना है या डिलीट करना है तो इस टैब पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऐड टैब या क्लोज टैब पे क्लिक करें। जैसे इंस्पेक्टर टैब को हमने यहाँ पे क्लोज किया है तो मैं वापस गेम टैब पे राइट क्लिक कर ऐड टैब के मदद से यहाँ पे इंस्पेक्टर टैब को वापस ले आता हूँ। अब इस टैब को क्लिक एंड ड्रैग कर इस लेआउट में अच्छे से सेट करें। इस सॉफ्टवेयर की फैक्ट्री सेटिंग ऑन करने से हमारा सेव किया हुआ लेआउट डिलीट हो चुका है। तो हम फिर से इस लेआउट को प्रॉपरली सेट कर हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के नाम से सेव कर देंगे। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोजेक्ट विंडो हमारे गेम डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए जो भी एसेट्स लगते हैं उसे शो करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे स्टैंडर्ड गेम एसेट्स में देख सकते हो कि शेडर से लेके स्क्रिप्ट तक सारी साधन सामग्री हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जबकि यही फोल्डर स्ट्रक्चर या फोल्डर हायर की अगर मैं विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करूँ जहाँ पे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने यूनिटी का प्रोजेक्ट सेट किया था, जैसे डी हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल यूनिटी, तो यहाँ पे भी एसेट्स के अंदर आप सेम फोल्डर स्ट्रक्चर देख पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी इंटरफेस वाली प्रोजेक्ट विंडो विंडोज एक्सप्लोरर में सेट किए गए यूनिटी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एक बात को यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी है, अगर आपको इस स्ट्रक्चर में कुछ भी फेर बदलाव करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट विंडो में से ही यहाँ पे फेर बदलाव करना है। विंडोज एक्सप्लोरर को हमें टच नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी चेंजेस हम प्रोजेक्ट विंडो में करेंगे तो विंडोज एक्सप्लोरर अपने आप अपडेट होता जाएगा। जैसे मैं इस क्रिएट बटन पे क्लिक कर फोल्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फोल्डर आ चुका है। अब इसे क्लिक कर मैं नाम देता हूँ सीन।
ठीक है, अब एंटर करें। अभी इसी तरीके से आप क्रिएट पे क्लिक कर स्क्रिप्ट, शेडर, एनिमेशन मटेरियल ऐसे कई सारी चीजों का निर्माण कर सकते हो जो हमारे गेम डेवलपमेंट और डिजाइनिंग के लिए उपयोगी है। अब आप ही देखो, क्या ये सारे ऑप्शंस हमें विंडोज एक्सप्लोरर में मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस प्रोजेक्ट विंडो में जो हमने सीन फोल्डर किया है वो मात्र विंडोज एक्सप्लोरर में अपडेट हो चुका है। जैसे मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ फाइल में सेव एज, और आप देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में हमारा सीन नाम का फोल्डर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं फाइल को सेव करता हूँ scene_01 सेव, और यही फाइल अभी हमें प्रोजेक्ट विंडो में भी दिखाई देगी। अगर हम इस सीन को एक्सपांड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो scene_01 यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब यही एसेट्स हम एसेट्स मेनू में से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एसेट्स में क्रिएट पे क्लिक करें, यहाँ पे भी वही लिस्ट हमें दिखाई दे रही है। अब यूनिटी में एक गेम ऑब्जेक्ट नाम की कंसेप्ट है, आप उसे एक कंटेनर की तरह समझ सकते हो जहाँ पे हम अपने हिसाब से चीजें लोड कर सकते हैं। जैसे आप उसमें लाइट ऐड करो, कैरेक्टर ऐड करो, या कोई स्क्रिप्ट ऐड करो, या कोई कुछ भी चीज आप उसमें मतलब ऐड कर सकते हो। और ये काफी वर्सेटाइल कंसेप्ट है क्योंकि आप इसमें एक से ज्यादा चीजों को एक साथ ऐड कर सकते हो। अगर मैं आपको बेसिक से समझाऊं तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो गेम ऑब्जेक्ट मेनू पे क्लिक कर क्रिएट एम्प्टी को सिलेक्ट करें। अभी इस गेम ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल, यही तीन ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। इसे हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज कहते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इसके साथ 3D स्पेस में आती है। वैसे हम इसे कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ये एक किस्म की यूनिटी फंक्शनैलिटी है जो बाय डिफॉल्ट इस गेम ऑब्जेक्ट पे आ चुकी है। जैसे इस कंपोनेंट मेनू में हमें कई प्रकार के कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम अपने गेम ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं जो हम इसी ट्यूटोरियल सीरीज में बाद में सीखने वाले हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे फिजिक्स सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं या किसी ऑडियो सोर्स को भी असाइन कर सकते हैं। और अगर हम रेंडरिंग कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कई सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कैमरा, लाइट वगैरह। तो मैं इस गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर यहाँ पे लाइट ऐड कर देता हूँ। तो अभी आप इंस्पेक्टर में देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के साथ लाइट कंपोनेंट भी दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसी गेम ऑब्जेक्ट को ऑडियो सोर्स असाइन कर आवाज भी दे सकता हूँ। अब इन कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए इनके सेटिंग आइकॉन पे क्लिक कर रिमूव करें, या कंपोनेंट पे राइट क्लिक कर भी आप उसे रिमूव कर सकते हो। अगर आप हायरार्की में किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे या प्रोजेक्ट विंडो में किसी भी एसेट्स को आप सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हो कि राइट साइड की इंस्पेक्टर विंडो अपने आप अपडेट होती जाती है। तो आप करंटली क्या इंस्पेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से हमारी इंस्पेक्टर विंडो अपडेट होती जाती है। ठीक है, तो यूनिटी मेन मेनू में आप टेरेन मेनू भी देख सकते हो। यूनिटी के पास एक फैंटास्टिक टेरेन इंजिन है। इसके मदद से हम कई अलग अलग प्रकार के भूभाग बना सकते हैं। अब बस कुछ ही ट्यूटोरियल्स के बाद हम इसका अभ्यास शुरू करेंगे। हेल्प मेनू के मदद से हम यूनिटी का रेफरेंस मैनुअल स्टडी कर सकते हैं। यूनिटी में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी सारी डिटेल जानकारी आप इस रेफरेंस मैनुअल में पाओगे, और इस स्क्रिप्टिंग मैनुअल में आप वो सारे क्लासेस और APIs पाओगे जिनकी मदद हमें यूनिटी में प्रोग्रामिंग के वक्त लगने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनिटी रेफरेंस मैनुअल पे क्लिक करते हैं जो हमारे डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में ओपन होगा। ये लोकल फाइल है तो यहाँ पे आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं, ये आपके हार्ड डिस्क में पहले से इंस्टॉल्ड है। तो मित्रों, जो भी हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में स्टडी करेंगे उसके बारे में आप ज्यादा जानकारी इस यूनिटी मैनुअल से ले सकते हो, ये आपको अच्छे से गाइड करेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब आगे आने वाली ट्यूटोरियल में हम यूनिटी के गेम ऑब्जेक्ट के बारे में और गहराई से जानेंगे, उसके साथ कैमरा नेविगेशन का भी स्टडी करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।